Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पिछले कुछ सालों में विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। देश भर से लोग पढ़ाई या जॉब के लिए विदेश की राह चुन रहे हैं। अब विदेशों में बसे यही भारतीय अरबों डॉलर भारत भेज रहे हैं। विदेश से पैसा भेजने के मामले में भारतीयों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। साल 2023-24 में प्रवासी भारतीयों ने अपने रिश्तेदारों को रिकॉर्ड 107 अरब डॉलर की धनराशि वापस भेजी। तो आइए अब जानते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, मैं हूँ ईशा मालवीय और आप देख रहे हैं बिस्तर। दरअसल लगातार दूसरे वित्त वर्ष में विदेश से रिश्तेदारों को भेजे गए पैसों का आंकड़ा 100 अरब डॉलर को पार कर चुका है। ये खबर कितनी अहम है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कुल 54 अरब डॉलर का 2 गुना से ज्यादा है। अगर आपको बताएं कि साल 2023 में प्राइवेट ट्रांसफर के जरिए कितनी रकम NRIs द्वारा भारत भेजी गई, तो ये आंकड़ा 119 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। वहीं निजी विदेशी निवासियों द्वारा आय और बाकी रेमिटेंस को शामिल करने के बाद नेट निजी ट्रांसफर्स 107 अरब डॉलर बैठता है। कई ग्लोबल स्टडीज के साथ साथ घरेलू रिसर्च ने संकेत दिया है कि रेमिटेंस विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासन के स्तर और उन्हीं देशों में नौकरी के अवसरों और स्थिति से जुड़ा हुआ है। RBI द्वारा किए गए पोस्ट कोविड सर्वे से पता चला है कि अमेरिका रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स है, जो कुल आंकड़े का 23% हिस्सा है। वहीं इसके विपरीत खाड़ी क्षेत्र से मनी फ्लो में गिरावट दर्ज की गई है। ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले 20 साल में भारत रेमिटेंस के मामले में सबसे आगे रहा है, जिसकी बड़ी वजह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में IT प्रोफेशनल के डिमांड को माना जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स है। वहीं 2023 में टॉप 5 रेमिटेंस हासिल करने वाले देशों में भारत 125 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 67 अरब डॉलर के साथ मेक्सिको का नाम शामिल है। तीसरे पर 50 अरब डॉलर के साथ चीन, चौथे पर 40 अरब डॉलर के साथ फिलीपींस और पांचवें स्थान पर 24 अरब डॉलर के साथ इजिप्ट का नाम शामिल है। जिस हिसाब से विदेशों में बसे NRI भारत में पैसा भेज रहे हैं, वो देश के लिए अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया में बढ़ती IT प्रोफेशनल्स और वर्कफोर्स के डिमांड में भी भारत की हिस्सेदारी बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसे में आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम वीडियो देखने के लिए बने रहिए बिस्तर के साथ।